नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने को जा रहे हैं। हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। नवंबर 2020 में अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने को जा रहे हैं। हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि कौन बनेगा अमेरिका का अगला राष्ट्रपति। इसके लिए मैंने एक छोटी सी रिसर्च की, जिसमें मैंने अमेरिका की कुंडली का अध्ययन किया, गोचर का अध्ययन किया। गोचर मतलब जो उस समय ग्रह स्थिति किस तरह की होगी नवंबर के महीने में, उसका अध्ययन किया। डोनाल्ड ट्रंप की हॉरोस्कोप पढ़ी और जो बिडेन उनकी भी हॉरोस्कोप स्टडी की। ये दोनों जो है, दोनों आपस में अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं और इन दोनों के बीच में ही चुनाव होगा। तो अमेरिका के जो अभी प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी कुंडली में कुछ योग और राजयोग इतने स्ट्रांग हैं जो कि उनकी पत्री को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं, और यही कारण है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं। पर अब आगे क्या, तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो हॉरोस्कोप है उसमें लग्न जो है वो लियो लग्न है, सिंह लग्न है। लग्न का स्वामी सूर्य 10th हाउस में, 10वें घर में जाके बैठ गया है। 10वें घर में सूर्य जो है वो दिग्बली भी होते हैं, तो ये एक दिग्बली सूर्य है। 10वां घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे प्रोफेशन को, वो कर्म स्थान है। सूर्य जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं पावर को, अथॉरिटी को। सोलर सिस्टम में सूर्य को किंग की, राजा की उपाधि दी गई है। सूर्य को हम गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट रिलेटेड काम से भी एसोसिएट करते हैं। मंगल जो कि 4th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, इस हिसाब से मंगल जो है योग कारक मंगल है इस पत्री के लिए। तो योग कारक मंगल अपनी मित्र राशि में लग्न में विराजित हैं, लग्न में बैठे हुए हैं। 4th हाउस लॉर्ड है मंगल। 4th हाउस जो है वो रिप्रेजेंट करता है मासेस को, जनता को। और एक पॉलिटिशियन की कुंडली में 4th घर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है पावर को, सत्ता को। तो मंगल जो है 4th घर के स्वामी और 9th लॉर्ड भी हैं, जो कि 9th हाउस जो है वो लक का हाउस है, भाग्येश है। तो भाग्य का स्वामी लग्न में जाके बैठ गया है, दैट मीन्स इनका लक जो है वो बहुत ही स्ट्रोंग है। उसके अलावा मंगल जो है वो 4th घर को, अपने खुद के घर को देख रहे हैं जो कि पावर का घर है। उसके अलावा 7वें घर को भी एस्पेक्ट कर रहे हैं। 7th हाउस जो है वो हाउस है पब्लिक इमेज का, आपकी छवि क्या है दुनिया के सामने। उसके अलावा 7th हाउस जो है वो घर है पद प्राप्ति का। वो पद चाहे किसी कंपनी में मैनेजर का हो, चाहे किसी कंपनी के CEO का हो, चाहे किसी देश के राष्ट्रपति का हो, पद कैसा होगा ये 7वां घर बताता है। अब 7वें और 6ठे घर का स्वामी शनि 10वें घर के स्वामी शुक्र के साथ कंजंक्ट है और 12वें घर में बैठे हैं। तो देखिए केंद्रों का आपस में कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है, जो कि इस हॉरोस्कोप को बहुत अपलिफ्ट कर देता है, बहुत ही पावरफुल बना देता है। अब दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक सही दशा नहीं आएगी आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो इस समय इनकी जो दशा, जो नवंबर के महीने में जो इनकी दशा चल रही होगी, वो होगी जुपिटर, शनि और मंगल। महादशानाथ जुपिटर, अंतरदशानाथ शनि और प्रत्यंतर दशानाथ मंगल। जुपिटर जो है वो इनके 5th लॉर्ड और 8th लॉर्ड हैं और जाके 2nd हाउस में बैठे हैं। 2nd हाउस से जुपिटर जो है इनके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं और इनके 8th हाउस को और इनके 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं। शनि जो कि 6th लॉर्ड है वो भी 6th हाउस को देख रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि जो गोचर के शनि हैं वो इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। मकर राशि जो है इनके 6ठे भाव में है। तो 6th हाउस जो है इनका दशा से और ट्रांजिट से, दोनों से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 6ठे घर का मैं आपको इतना डिस्क्रिप्शन क्यों दे रही हूँ, क्योंकि 6ठा घर जो है वो घर है कॉम्पिटिशन का। प्रेजिडेंशियल इलेक्शन इज अ कॉम्पिटिशन, इट्स अ वेरी बिग कॉम्पिटिशन। तो कौन जीतेगा कॉम्पिटिशन में, जिसका 6ठा घर स्ट्रांग होगा। तो ट्रंप का 6ठा घर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। शनि
जो कि अंतरदशानाथ है, जैसा मैंने बताया छठे घर के स्वामी हैं, छठे घर को देख रहे हैं और छठे घर में ही गोचर भी कर रहे हैं। छठे घर का स्वामी शनि और आठवें घर का स्वामी गुरु, वो जो है इनके लग्न के साथ बंधन योग बना रहा है। लग्न के एक तरफ गुरु है और लग्न के एक तरफ शनि है, तो यदि लग्न का संबंध इतना स्ट्रांग छठे घर और आठवें घर से जब बनता है तो उसका ये इंटरप्रिटेशन होता है कि ऐसे लोग अपनी हार आसानी से नहीं मानते। वो कुछ भी कर लेंगे पर हार नहीं मानेंगे, वो कुछ भी करके अपनी जीत जरूर हासिल करेंगे। वही कॉम्बिनेशन ट्रंप के साथ है, तो वो आसानी से अपनी हार नहीं मानेंगे। आप बात करते हैं प्रत्यंतर दशानाथ की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। प्रत्यंतर दशानाथ है मंगल। मंगल वक्रीय होके उस समय मीन राशि में होंगे, जो कि इनके अष्टम भाव में हुआ, जो कि एर्थ लॉर्ड हुआ। अब क्योंकि वक्रीय हैं तो उसके रिजल्ट हम पिछले घर से भी देखते हैं, तो आठवें घर से पिछला घर हुआ सातवां घर, और जैसे मैंने बताया सातवां घर जो है वो पद प्राप्ति का घर है, पब्लिक इमेज का घर है। ऑल्सो एट से बैठ के वो इलेवेंथ हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि अचीवमेंट का, गेन्स का घर है। तो दशा भी जो है ट्रंप की काफ़ी फेवरेबल है। सो फ्रेंड्स, इन सब के बाद जो मेरा कंक्लूजन है वो ये है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के चांसेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं दोबारा प्रेसिडेंट बनने के लिए। सो दिस वाज अ लिटिल एनालिसिस जो मैंने किया है। आप लोग अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने भी कोई रिसर्च की है इस केस में तो मेरे साथ ज़रूर से शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।